हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है या चेंज करना है और आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो ये काम आप कोरल ड्रॉ पे भी कर सकते हैं। मैं हूं सुमित बरुआ और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं आप या फिर फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट का ये पैनल आ जाएगा। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। मैं बैकग्राउंड डालता हूं, बैकग्राउंड साइज A4 रखेंगे और यहां से लैंडस्केप कर देंगे। नंबर ऑफ पेज 1 CMYK के प्राइमरी कलर मोड में और रेंडरिंग रेजोल्यूशन 300 dpi और ओके कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, एक जिस फोटो का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो उस फोटो को लेके आएंगे। फाइल में क्लिक करेंगे, इंपोर्ट में क्लिक करेंगे और कोई फोटो ले लेंगे। मैं अपनी एक फोटो ले लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो अब इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ध्यान रखना है कि हमें बैकग्राउंड को चारों तरफ से कवर करना है, इमेज को नहीं। मतलब जिस पार्ट को आपको चाहिए वो पार्ट को आपको कवर नहीं करना है और जिस पार्ट को नहीं चाहिए उसको कवर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टून मेनू में जो 5th ऑप्शन है वहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्री हैंड टूल में लूँगा। आप चाहो तो बेजियर टूल भी ले सकते हो, पेन टूल भी ले सकते हो, मैं फ्री हैंड टूल लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस तरह से मैं ड्रॉ करता हुआ जा रहा हूँ, पर यहाँ देखेंगे आउटलाइन बहुत ज़्यादा है, इसको हेयर लाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। आउटलाइन जितना पतला होगा उतना काम करने में अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप अगर कीजिएगा तो थोड़ा सा सफाई से। मैं इस ट्यूटोरियल को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से। और मेरे हिसाब से तो आप फ्री हैंड टूल ही यूज कीजिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है। इस तरह से। और अब आप इस बैकग्राउंड को चारों तरफ से कवर कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ।
कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ से कोई कलर दे देंगे, मैं येलो कलर देता हूँ, और आउटलाइन चाहो तो आप नन कर सकते हो, फिलहाल मैं अभी नहीं करूँगा। मैं पहले शेप टूल लूँगा, F10 प्रेस करेंगे या फिर शेप टूल ले लेंगे यहाँ से। तो अब थोड़ा सा और सफाई से कर देते हैं इसको। ये जो नोट्स है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये स्मूथ हो जाएगा। जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा स्मूथ करना है वहाँ पे आप उस नोट्स को डिलीट कर दीजिए, वो अपने आप सेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ 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 पे भी और इधर, ये देखिए कुछ इस तरह से स्मूथ हो जाता है वो अपने आप। यहाँ क्लिक किया मैंने और स्मूथ नोट में क्लिक करके मैं थोड़ा सा ड्रैग करके अंदर लेके आता हूँ, तो लगभग हो चुका है हमारा। अब मैं इसकी जो आउटलाइन है उसको नन कर देता हूँ। आउटलाइन मैंने नन कर दिया, और आउटलाइन नन करने के बाद भी थोड़ा एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा रह गया है या ठीक कर लेते हैं। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा अंदर लेके आता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको भी, यहाँ एक नोट बनाया मैंने डबल क्लिक करके और कप्स नोट पे क्लिक किया, ये लीजिए इस तरह से। चलिए ये हो गया हमारा। अब मैं इस इमेज और ये जो मैंने चारों तरफ से बैकग्राउंड को जो कवर किया है येलो, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा इस तरह से। दोनों सेलेक्ट हो गए, और यहाँ आप ऊपर आएंगे, जो सेकंड ऑप्शन है ट्रिप, इसमें क्लिक करेंगे। इस तरह क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, इसको आप डिलीट कर देंगे। अब बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, अब इसका एक फैदर भी हम लेके आएंगे, फैदर क्रिएट करेंगे। इसकी कॉपी कर लेते हैं, इस तरह से मैंने कॉपी किया, और ट्रेस बिट मैप पे क्लिक करेंगे, क्विक ट्रेस पे क्लिक करेंगे और रिड्यूस बिट मैप। अब देखिए अब इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे इस तरह से। अब बिट मैप्स में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप्स करेंगे, रेजोल्यूशन 300 dpi होना चाहिए, ओके। अब फिर से बिट्स मैप में जाएंगे और यहाँ ब्लर में सेकेंड ऑप्शन है गॉशियन ब्लर, इसमें क्लिक करेंगे। 10 पिक्सल हमें करना है, तो 10 में आप लेके आइए या फिर 10 टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए इस तरह से। अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट किया, सी और ई टाइप करेंगे, ये इसके ऊपर आ गया बिल्कुल सेंटर में। डी सेलेक्ट करके फिर से सेलेक्ट करेंगे ब्लैक को, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो वो उसके नीचे चला जाएगा
ये आप देख सकते हैं फैदर को, चारों तरफ से ये फैदर आ रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। अब इसका बैकग्राउंड मैं लेके आता हूँ कोई दूसरा इमेज, इंपोर्ट में गया मैं और यहाँ से कोई दूसरा इमेज लिया मैंने और यहाँ पेस्ट कर दिया इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब इस फोटो को मैं यहाँ लेके आया और कंट्रोल हो प्रेस करेंगे, ये टॉप पर आ जाएगा इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप भी बैकग्राउंड कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मेरा ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगले ट्यूटोरियल में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।